इस देश की गरीबी का कारण गरीब नहीं, उनसे लूटने वाले तुम जैसे मेहमान अमीर। गेट खोलो। अंदर देख रहे हो? बाहर देख रहे हो? जो दौलत आपने सरकार से यहाँ छुपा कर रखी है, अब वक्त आ गया है वो सरकार को वापस दी जाए। मुझे वो खजाना चाहिए। आपके सोने का कैरेट हमारे कैरेक्टर खराब नहीं कर सकता। आपने कभी सांप पकड़ा? बड़े धीरे से दबे पांव उसकी गर्दन को पकड़ लेते। मौत जब सर पे होती है, जिंदगी की कीमत तब समझ में आती है। अजय देवगन आगामी क्राइम थ्रिलर रेड 2 में IRS अधिकारी अमय पटनायक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने के लिए तैयार हैं, जो 21 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में आएगी। फिल्म में वाणी कपूर, रितेश देशमुख और रजत कपूर होंगे और ये दिल्ली और लखनऊ की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म के निर्माताओं ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर के साथ यह रोमांचक खबर साझा करते हुए कहा, अपने तरीके से एक्शन, तीव्रता और रहस्य को वापस ला रहे हैं। 2018 में रेड की सफलता के बाद टीम राजकुमार गुप्ता द्वारा निर्देशित रेड 2 के साथ लौट रही है। रितेश देशमुख, जो अपने उल्लेखनीय प्रतिपक्षी चित्रणों के लिए जाने जाते हैं, अपने पिछले हास्य सहयोगों के बाद पहली बार नाटकीय भूमिका में अजय के साथ स्क्रीन साझा करेंगे। 2018 में रिलीज हुई रेड में अजय देवगन, सौरभ शुक्ला और इलियाना डिक्रूज मुख्य भूमिका में थे। 1980 के दशक में आयकर छापे की वास्तविक घटना पर आधारित इस फिल्म में इलियाना ने अजय देवगन की पत्नी का किरदार निभाया था। रेड 2 का निर्माण भूषण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक और कृष्ण कुमार ने किया है। अजय अगली बार रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही सिंघम अगेन में नजर आएंगे। इस महत्वाकांक्षी पुलिस ड्रामा में करीना कपूर खान, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ भी हैं। इसके अलावा वो विजय कुमार अरोड़ा द्वारा निर्देशित सन ऑफ सरदार 2 में भी नजर आएंगे।